Hello guys, I am Vita Chauhan is here to welcome you all in our 10bestincity.com. So I am here to explain you all one more topic that is called video summation sets. इसके पहले हम लोगों ने कई और टॉपिक्स के बारे में आपको रिटर्न के फॉर्मेट में या फिर वर्चुअल फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन किया. तो आज मैं आपको एक और टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी, दैट इज़ कॉल्ड पीडीएफ सबमिशन साइट्स. अब ये पीडीएफ सबमिशन साइट्स होती क्या है, इसका मतलब क्या है और ये क्यों यूज़ किए जाती है, तो हर एक स्टेप के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल लर्निंग प्लस डिटेल आंसर मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद पीडीएफ सबमिशन साइट्स. आप सभी लोग ब्लॉग्स लिखते होंगे, स्पेशली एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट होगा तो वो आपका ब्लॉग तो लिख ही रहा होगा, साथ ही साथ कंटेंट राइटिंग कर रहा होगा. कोई व्यक्ति जैसे किसी का बिजनेस चल रहा है तो हमेशा वेबसाइट पर कंटेंट मिलते हैं, ब्लॉग्स मिलते हैं हमें, आर्टिकल्स मिलते हैं. ये सब कैसे पहुँचते हैं और ये क्यों आपको ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, स्पेसिफिकली कुछ वेबसाइट्स पर जो कि जिसकी हाई ट्रैफिक है. अभी ट्रैफिक क्या होता है, इस वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. पहले ही ट्रैफिक एक तरीके से, सपोज एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे हज़ार लोग एक ही टाइम रुके हुए हैं तो वो ट्रैफिक कहा जाएगा. और वहीं अगर डिजिटल मार्केटिंग लैंग्वेज में अगर ट्रैफिक को समझना चाहते हैं या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अगर आप समझना चाहते हैं ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक इज जस्ट अ सिंपल वर्ड विच टेल्स दैट कि आपकी वेबसाइट में उस समय कितनी देर इंसान रुका है. फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है कॉल्ड आज तक पे अगर एक खबर आई है, उस खबर को देखने के लिए मैक्सिमम एक टाइम पे 5K से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो मतलब आपकी वेबसाइट का रीच पर सेकंड 5K है. फिर पर आर, फिर पर मंथ, फिर पर डे, मतलब हर तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ट्रैफिक को. दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रैफिक. सो ट्रैफिक की तो मैंने आपको समझा ही दिया. तो अगर मैं आपको अलग एक और टॉपिक जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो है पीडीएफ सबमिशन साइट्स. सिंपली एक तरीके से वो साइट्स होती हैं जहाँ पे अब आप अपने पीडीएफ को सबमिट कर सकते हैं. तीन वर्ड है, पीडीएफ, सबमिशन एंड साइट. पीडीएफ वो होता है जो आपके, जैसे कि मैंने कुछ लिखा, आर्टिकल लिखा या ब्लॉग लिखा, उस ब्लॉग और आर्टिकल को पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करना. पीडीएफ मतलब एक तरीके का बंडल जिसमें 3-4 पेजेस होते हैं और आपको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता. अगर आप उस फोल्डर को या उस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें, आपको बस स्लाइड करने की ज़रूरत पड़ती है और आपकी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है. तो ये होता है पीडीएफ. तो पीडीएफ सबमिशन साइट्स बेसिकली वो साइट्स होती हैं जिसमें आप अपने पीडीएफ को पीडीएफ बनाते हो. पीडीएफ में आप आपकी बैक लिंक भी ऐड करते हो. सपोज मेरी वेबसाइट है, हमारी 10bestincity वेबसाइट है, तो मेरा एक ब्लॉग है. फॉर एग्जाम्पल माई ब्लॉग नेम इज 10bestuniversity in London. ठीक है, तो मेरी कीवर्ड क्या हुआ, 10bestcityinLondon. ओके, 10bestuniversity in London, सपोज 10bestuniversity in London इज माई कीवर्ड. तो मैंने कीवर्ड को सिलेक्ट करा, उस कीवर्ड को सिलेक्ट करके मैंने अपनी जो मेरी वेबसाइट की लिंक है, लेट इट कॉल 10bestincity, उस लिंक को उसके साथ एड ऑन कर दिया, तो वहाँ पर मेरी बैक लिंक क्रिएट हो जाएगी. तो फर्स्ट प्रोसीजर वही होती है कि आप आपकी जो ब्लॉग है उसमें बैक लिंक ऐड करें. बैक लिंक, अगर आप अपनी ब्लॉग में बैक लिंक ऐड करेंगे तो इससे आपका ट्रैफिक प्लस SEO बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. तो फर्स्ट प्रोसीजर इज सिंपली एडिंग बैक लिंक इन योर ब्लॉग. इफ़ यू हैव एडेड बैक लिंक इन योर ब्लॉग, है ना, देन आफ्टर दैट कन्वर्ट दैट ब्लॉग इनटू PDF. अब अपने ब्लॉग को PDF के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए. जैसे आपने अपने ब्लॉग को PDF के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अभी आपका PDF तो बन गया, ठीक है. अब थर्ड प्रोसीजर ये आती है कि फॉर एग्जांपल PDF सबमिशन साइट्स भी बहुत सारी होती है. एक होता स्लाइड शेयर, जिसकी आप अगर उसकी ट्रैफिक के बारे में जानना चाहोगे तो वो मिलियंस में उसका ट्रैफिक है. ऑफकोर्स मिलियन में ट्रैफिक है. तो ऐसे कई और वेबसाइट्स है. तब सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने स्लाइड शेयर सिलेक्ट करा, स्लाइड शेयर में अपन ने लॉग इन करा, उसमें एक ऑप्शन आपको साइड में दिखेगा लॉग इन, आपने उसमें लॉग इन करा. लॉग इन करने के बाद आपको एक ऑटोमेटिक एक ऑप्शन मिल जाएगा कि अपलोड योर फाइल. अब अपलोड योर फाइल में जो आपने PDF बनाया है उसको वहाँ पे अपलोड कर लीजिए. अब आपने जैसे ही वहाँ अपलोड कर दिया तो स्लाइड शेयर में अगर व्यक्ति कुछ भी शेयर करेगा, कुछ भी अगर आप कुछ भी सर्च करेगा, तो आपकी कीवर्ड क्या है, 10bestuniversity in London, दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन इट, ये आपकी कीवर्ड है. आपने यही कीवर्ड सिलेक्ट करा और वहाँ पे पेस्ट करा इन स्लाइड शेयर, एंड आपने वहीं पेस्ट करने के बाद आपको आपने जो आपका ब्लॉग था वो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ अपीयर होने लगेगा. और अगर आप आपके ब्लॉग को रीड करने लगे, फॉर एग्जाम्पल कोई थर्ड पर्सन उसको रीड कर रहा है, तो उसके रीड करते वक्त उसको आपकी बैक लिंक दिखेगी, तो उस पर बैक लिंक पर क्लिक करेगा तो वैसे ही आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी.
दिस इज ऑल अ सिंपल प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो भी बनाऊंगी जिसपे मैं आपको लैपटॉप से सारी चीज़ें शेयर करूंगी और हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि कैसे कैसी क्या फर्स्ट प्रोसीजर है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ है। ये तो मेरा सिंपल इंट्रोडक्शन था कि आपको एक्चुअल में बताना था कि पीडीएस सबमिशन साइट होती क्या है, इससे आप अपना ट्रैफिक कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आप आपके लोगों को आप वहाँ तक पहुँचा सकते हो आपकी ब्लॉग के। सिंपली अगर एक ब्लॉग बन रहा है तो सिर्फ उस वेबसाइट तक ना सीमित रह के और डिफरेंट वेबसाइट पर भी जा सके, ये तो पीडीएस सबमिशन साइट हुई। सिंपली अगर आप आपके ब्लॉग को पीपीटी के फॉर्म में बना लें तो आप आपके पीपीटी सबमिशन साइट्स भी होती है उस पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक अगर आपके पास प्रेस रिलीज है तो प्रेस रिलीज सबमिशन साइट्स भी होती है, तो जहाँ पे आप आपकी प्रेस रिलीज को सबमिट कर सकते हैं। तो सिंपली ये तीन चार बहुत सारी टाइप की साइट्स होती है। कई बार लोगों को अननोन होते हैं, अपना ब्लॉग बस बनाते हैं और जहाँ पोस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ही बना रही हूँ तो मैंने मेरा ब्लॉग बनाया, मैंने सिर्फ 10 बेसिन सिटी तक सीमित रखा, वहाँ मैंने पोस्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि आपकी ब्लॉग को रीच नहीं मिल पाएगी प्रॉपर। इसलिए अगर आप अपने ब्लॉग को प्रॉपर रीच देना चाहते हैं, प्रॉपर SEO प्रोवाइड करना चाहते हैं, ट्रैफिक प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप PDF सबमिशन साइट्स, WordPress सबमिशन साइट्स, ऐसे बहुत सारी सबमिशन साइट्स हैं जहाँ पे आप अपने अपलोड कर सकते हैं। इससे आपको ही आपकी आपके ब्लॉग को ही पॉपुलैरिटी, साथ ही साथ आपके ब्लॉग को रीच मिलेगी। सिंपली दिस इज ऑल अबाउट आर, थैंक यू सो मच।